अनफेयरनेस, ये बायस की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और नोन सी टाइप है. बहुत ज़्यादा हम इससे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक जानी पहचानी ये प्रॉब्लम है. अनफेयरनेस क्या होती है असेसमेंट में? व्हेन यू डिनाई द राइट ऑफ समवन, आपकी किसी को लाइकिंग है किसी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए और ये किसी ग्रुप के लिए, तो या किसी की डिसलाइकिंग है, तो आप किसी का राइट जब डिनाई करते हैं तो दैट इज अनफेयर, मीनिंग यू आर बीइंग अनफेयर एंड दैट इज अनफेयरनेस. अब वो कैसे अनफेयरनेस होती है? फॉर इंस्टेंस, देयर इज एन ग्रेडर, आपको भी पता है, बच्चे को भी पता है, और आपने मार्किंग करते हुए या ऐसे सर्कमस्टांसेस कैसे कर दिए, कई तरीके से आप अनफेयर हो सकते हैं ना, कि उसका जो ए ग्रेड था वो डी पे चला गया. अब जो डी ग्रेडर बैठा हुआ है, आपने उसको आप होल्ड करना है, उसको आपने किसी तरीके से ए ग्रेड दिला दिया, तो आप देखें कि आपने ना सिर्फ आपने उस ए ग्रेडर के साथ अनफेयर हुए, उसका राइट डिनाय हुआ, बल्कि एक सिस्टम के साथ भी तो आप अनफेयर हुए ना, क्योंकि सिस्टम जो है उसका मकसद ये है कि असेसमेंट प्रॉपरली की जाए, सो देट हमारे पास करेक्ट जजमेंट आए और करेक्ट जजमेंट के बेसिस पे हम इम्प्रूव कर सकें. अब सिस्टम को आप क्या कहाँ क्या कहेंगे, किधर इम्प्रूव करें? वो जो डी ग्रेडर को आपने ए पे बैठा दिया है और वो जो डी ए वाले को डी पे ले गए हैं, तो आप कहाँ किस जगह पे क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्या रिकमेंडेशन आपकी होगी कि कहाँ क्या होना चाहिए? सो यू आर बींग अनफेयर नॉट ओनली टू दैट स्टूडेंट बल्कि पूरे सिस्टम के साथ. तो ये अनफेयर होना जो होता है वो ये होता है, चाहे आप किसी इंडिविजुअल के साथ हो रहे हैं, चाहे आप किसी ग्रुप के साथ हो रहे हैं. और एक हम बात अक्सर हम करते हैं ना, ये पेपर में मैं तो इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, ये कर रही थी, बट आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द मार्किंग, और उसमें मार्किंग फेयर नहीं हुई है, उसमें जो रिजल्ट है वो दैट इज़ नॉट फेयर. तो ये क्या होता है कि वो अनफेयरनेस कहीं ना कहीं वो हुई होती है जिसकी वजह से ये इशू हो रहा होता है. अब ये फिगर भी फॉर इंस्टेंस आप देखें, तो इसमें आपको नजर आएगा ना कि देयर आर थ्री पर्संस, और वो एक पर्सन जो है, अब वो उसका वेट वो अनफेयर होके वो डाउन ले जा रहा है, और ये अनफेयर सिस्टम आपको नजर आ रहा है ना ऑब्वियसली, वरना अदरवाइज देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द वेट ऑफ थ्री एंड द वेट ऑफ वन. तो उसका वन वाले को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये अनफेयरनेस है विच इज बींग मार्क्ड एज रेड ऑल्सो, जो कि उसको डाउन पे ले जा रही है और वो देख ही नहीं रहे, और वो ऊपर को वो तीन वाले बेचारे जो हैं वो हवा में लटके हुए हैं, और वो वाला जो एक वो जो है वो इस तरह उसको सिस्टम को डाउन कर रहा है. तो ये एक अनफेयर होना जो होता है वो इम्बेलेंस भी क्रिएट करता है. आप ये देखें कि उसमें क्या होता है अनफेयर जब आप होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले आपका मिसट्रस्ट जो होता है सिस्टम के ऊपर वो डेवलप हो जाता है, वो क्लासरूम से, क्वेश्चन पेपर से, उस सेटिंग से वो स्टार्ट होगा और एक्सपैंड होते होते वो पूरे सिस्टम को हिट करेगा, क्योंकि हमने बात की थी कि सिस्टम जो है असेसमेंट का वो लूप में चलना है, एंड देयर आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फिनोमिना कनेक्टेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो पेरेंट नजर आ रहा होता है क्लासरूम में, लेकिन वो पीछे तक कनेक्टेड होता है. बच्चे पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं, टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, ऊपर पॉलिसी मेकिंग के साथ सब वो चल रहा है, तो ये जब एक लिंक उसमें से टूटता है अनफेयर होने की वजह से, तो वो सबको इफेक्ट करता है. अगर एक ग्रेडर के मार्क्स कम आएंगे वो डी पे जाएगा, ऑब्वियसली पेरेंट्स आर ऑल्सो अटैच्ड, उनका पैसा भी लगा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी लगी हैं, और वो कहेंगे कि ये तो देखो हमारे बच्चे का तो ये जो ग्रेड आए हैं वो सारा उसका फ्यूचर ही खराब करके रख दिया, अब इसके ऊपर हम एडमिशन कहाँ अप्लाई करेंगे, देखो इसने तो पिछले पूरे रिजल्ट को ही खराब कर दिया, डाउन कर दिया. अब वो अगर वो जाती है बात प्रिंसिपल तक, तो वो भी ऑब्वियसली वो भी आपके मीनिंग वो बहुत जगह पे हिट कर रही होती है वो चीज़. तो अनफेयर वो आपके सिस्टम को, आपके स्कूल को, आपके पीछे वो पूरी तरह से वो उसको इफेक्ट करती है. तो अनफेयरनेस जो है वो बाहर अनफेयर और अनफेयर होना कह देते हैं, लेकिन वो एक बड़ा की पॉइंट है जो अगर वो उसमें से मिसिंग होगा तो वो पूरे सिस्टम को इफेक्ट करेगा.